दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मनप्रीत। मैं दुबई में एक मनी एक्सचेंज में काम करता हूँ। मेरे पास बहुत से लोग आकर पूछते हैं, मनप्रीत भाई रुपए का रेट बताओ, NRI अकाउंट खोलना है या पाकिस्तान का बैंक अकाउंट खोलना है और बहुत कुछ। तो मैंने सोचा क्यों ना लोगों को वीडियो बनाकर समझाओ, इससे हमारा काम भी आसान हो जाएगा और मेरे प्यारे बहन भाइयों की मदद भी हो जाएगी। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने उन तमाम प्यारे इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस के भाई बहनों के लिए जो पैसे घर भेजने के लिए मनी एक्सचेंज में जाते हैं और जाते ही सबसे पहले वह आपको रेट चाहिए। तकरीबन सब एक्सचेंज हाउस में एक बड़ी सी टीवी या स्क्रीन लगी होती है जहां इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या फिलीपींस का रेट कुछ अजीब तरीके से लिखा होता है, जैसे कि 0.04444। अब बात आती है कि ये क्या लिखा है, इसको हम कैसे समझे। तो इस रेट को समझने के लिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों ये वीडियो दो पार्ट में होने वाली है। पहले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि ये 0.04444 क्या और क्यों लिखा है। दूसरे पार्ट में आपको बताऊंगा कि इसको आसान भाषा में कैसे समझे। तो चलो शुरू करते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों जब भी आप रेट बोर्ड या रेट स्क्रीन को देखें, सबसे पहले चेक करें आपको कौन सी करेंसी का रेट या भाव चाहिए। जैसे कि इंडिया का रेट चाहिए तो इंडिया वाली लाइन में रेट देखें। इस लाइन में आपको तीन रेट मिलेंगे, 0.04032, दूसरा 0.04480 और तीसरा 0.04444। ये रेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से लिखे रहते हैं। अब स्क्रीन के ऊपर देखें, इनमें लिखा रहता है VBuy, यानी एक्सचेंज आपसे इंडियन करेंसी खरीद रही है और एक इंडियन रुपए के लिए आपको 0.04032 UAE दिरहम मिलेंगे। अगला है VSEL, यानी एक्सचेंज आपसे UAE दिरहम खरीद रही है और इंडियन रुपया आपको बेच रही है। अब आपको एक रुपए के लिए 0.04080 UAE दिरहम देना होगा। अब आखिर में ट्रांसफर का मतलब है दोस्तों कि अगर आप एक दिरहम देंगे तो एक्सचेंज आपके लिए 0.04444 इंडियन रुपया बैंक में ट्रांसफर करेगी। इतनी बात अगर आप समझ गए तो आगे समझना आपके लिए आसान होगा। अब बात करते हैं इसको आसान भाषा में कैसे समझे। इसके लिए आप कोई भी करेंसी रेट ले, जैसे 0.04444। अब आपके मोबाइल फोन में कैलकुलेटर ओपन करें और बटन दबाएं 1 या डिवाइड 0.04444। जवाब आया 22.50 रुपए। ऐसे ही पाकिस्तान की करेंसी चेक कर सकते हैं, 1.01635। जवाब आया 61.15 रुपए। ऐसे ही बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस करेंसी भी चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। अगर कुछ समझ नहीं आया तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम और टिकटॉक में भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और अगली बार एक नई जानकारी भरपूर वीडियो के साथ आपसे मैं जल्दी मिल सकता हूँ।